महारानी की जय हो। महारानी गांधारी पधार रही हैं। प्रणाम दीदी। आइए दीदी। दीदी आप यहां बैठिए। कैसी हैं दीदी? जिस माता के पुत्रों के बीच घमासान युद्ध चल रहा हो वो माता कैसी हो सकती है कुंती? तुम्हारा अपनी दीदी के प्रति स्नेह भी अनूठा है। दीदी सामने आ जाती है तभी तुम्हें उसकी याद भी आती है। ऐसा ना कहें दीदी, आप तो जानती हैं कि मैं वहां आके जेठ श्री को ये सब दिखावे की बातें हैं। चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी अन्याय क्यों ना हुआ हो कुंती, किंतु वो ही तुम्हारा घर है। और आजकल जबकि विदुर भी अपनी पत्नी समेत बाहर गए हुए हैं, तब तो तुम्हारे यहां रहने का कोई तात्पर्य भी नहीं। मैं तुम्हें लेने आई हूं। हमारे हृदय कोई राज्य नहीं है जहां सुख और दुख का विभाजन हो। रणभूमि से चाहे कैसा भी समाचार क्यों ना आए, वो हम दोनों का है, हम दोनों के लिए है। कुंती, प्रतीक्षा के इन कठोर क्षणों, दिनों और रातों में मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरी आंखों पर बंधी ये पट्टी मेरे आंसू तो नहीं पोंछ सकती ना। मैं क्षमा चाहती हूँ दीदी, किंतु हम केवल दो माएं ही नहीं हैं, हम दो शत्राणियां भी हैं दीदी, जिनके पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। मैंने विजय का आशीर्वाद ना ही दुर्योधन को दिया और ना ही अपने पुत्रों को, किंतु वासुदेव के साथ युधिष्ठिर के लिए मैंने ये संदेश अवश्य भिजवाया था कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां पुत्रों को जन्म देती हैं वो दिन आ गया है। राजभवन में तो मेरे लिए बहुत जगह है दीदी, और मैं ये जानती भी हूं, किंतु हस्तिनापुर के राजभवन में मेरे इस संदेश के लिए तो कोई जगह नहीं हो सकती ना दीदी। और इस संदेश को मैं यहां विदुर के घर में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। विजयश्री का आशीर्वाद मैंने भी दुर्योधन को नहीं दिया था, वो तो मेरे आशीर्वाद का कवच पहने बिना ही कुरुक्षेत्र की ओर कूच कर गया था। मैंने तो उससे यह भी नहीं कहा था कि जिस दिन के लिए शत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है। लाक्षाग्रह, द्युत क्रीड़ा और द्रौपदी के अपमान की यादों ने मेरी जीवा में गांठ डाल दी थी। कुंती, हो सके तो मेरे पुत्रों को क्षमा कर देना। दुर्योधन मन का मैला नहीं है, परंतु उसकी आंखों पर, उसके अहम और उसके हठ की पट्टी बंधी हुई है। वो अपने पिताश्री की नेत्रहीनता का उत्तराधिकारी है। पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य,
ये सब तो जयश्री की नेत्रहीनता के उत्तराधिकारी तो नहीं है ना दीदी? द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश दुर्योधन ने तो नहीं दिया था? हस्तिनापुर की रोगी और लांछित राजनीति और उसके निहित स्वार्थ ने दिया था दीदी। दुर्योधन तो उस कलंकित राजनीति का केवल एक प्रतिबिंब है, तो किसका कीजिए दीदी कि इस मैली राजनीति को धोने के लिए रणभूमि में रक्त का एक सरोवर बनाना पड़ेगा। और हे दीदी, ये सरोवर मेरे और आपके पुत्रों के लहू का होगा। मैं आज तुम्हें ये समाचार देने आई थी कि आज वहां बड़ा रण हुआ, हजारों हजार योद्धा और सैनिक मारे गए, बड़े बड़े राजनीतिक ध्वज कटे, किंतु उस युद्ध में तुम्हारे पुत्र भी सुरक्षित रहे और मेरे पुत्र भी। किंतु इस युद्ध के हर दिन के उपरांत आने वाली सांझ में आपके पास मुझे देने के लिए ये सूचना नहीं होगी। भगवान भगवान आपके पुत्रों को लंबी आयु दे दीदी। भगवान तुम्हारे पुत्रों को भी लंबी आयु दे। अब देखना ये है कि भगवान किसके आशीर्वाद की लाज रखते हैं।